मुझे तो नहीं पता लगा तू तो मर गया भाई, और देखा दगा बटला हो रहा है यहाँ। अब मैं देख भाई वो पहले फोटो देख कर फोटो मारा मोमबत्ती लगाने लग रहे भाई, यो क्या हो रहा है भाई। बस और मुझे तो देख लो जब ये कुछ कर ली हो। मेरी माँ इतनी मेरे मारो इतनी तड़प रही थी यार, माँ को एक तक जी खुश हो गया। हुआ था अंतिम संस्कार, आठवें दिन जिंदा लौट आया बेटा। प्रमोद को देखकर गांव वाले भूत भूत चिल्लाने लगे। बेटे के जिंदा लौटने पर माँ की आंखें भर आई। माँ बोली, बेटा तू कहाँ चला गया था? बता दें कि ये अनोखा वाक्या सहारनपुर जिले की है। यहाँ एक अज्ञात युवक को अपना मरा बेटा समझकर एक परिवार ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया, मगर इसके आठवें दिन परिवार वालों का असली बेटा जिंदा लौट आया। ये देखकर घर वालों के साथ ही मोहल्ले वाले भी हैरान हो गए। गांव वाले प्रमोद को देखते ही भूत भूत चिल्लाने लगे। वहीं माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बेटे को जिंदा देखकर माँ की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। ये मामला थाना बड़गांव क्षेत्र के गांव चिराऊ का है। बताया जा रहा है कि गांव निवासी प्रमोद कुमार पुत्र चंद्र प्रजापति करीब 15 दिन पहले गांव से हरिद्वार में एक ढाबे से नौकरी करने की बात कहकर गया था। बीते 31 जनवरी को परिजनों को सोशल मीडिया से मैसेज मिलता है, जिसमें लिखा था कि अज्ञात युवक का शव मुजफ्फरनगर मोर्चरी में रखा है। मृतक की शक्ल प्रमोद से मिलती जुलती थी, जिस वजह से परिजनों में कोहराम मच गया और वो मुजफ्फरनगर मोर्चरी पहुंचे, जहां पर उन्होंने शव की शिनाख्त प्रमोद कुमार के रूप में की और शव को अपने साथ गांव लेकर आ गए। इसके बाद शव का गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार भी कर दिया। यही नहीं, 5 फरवरी को रस्म पगड़ी शोक सभा भी कर दी गई। लेकिन इस पूरे मामले में नया मोड़ तब आया जब रात को प्रमोद गांव वापस लौट आया। उनके वापस लौटने पर ग्रामीणों में कोलाहल मच गया। परिजनों ने भी प्रमोद की मौत होने की बात कही। प्रमोद के जिंदा वापस आने के बाद ग्रामीणों की भीड़ उनके घर पर लग गई। परिजनों ने प्रमोद को गले से लगा लिया। मेरी माँ इतनी मेरे मारो इतनी तड़प रही थी यार, माँ का एक तक जी खुश हो गया। अच्छा, माँ का कितने भाई और? 3 भाई। आप कौन से नंबर के? तीसरे नंबर के। अच्छा, जैसे गांव में लौटते तो गांव में लौटते ही किसी ने बताया नहीं होगा ऐसा? ना ना, क्या हुआ? मैं आया था 8 बजे। अच्छा, 8 बजे आते क्या हुआ? हैं, 8 बजे आते क्या हुआ? आते क्या होता, दुकान पे गए? देखो यहाँ घर तो ये हंजूम लग रहा है, यहाँ तो दगा बटला हो रखा। दुकान पे गए? दुकान पे तो मैं पहले ही अब तो दुकान पे ही गया। क्या घटना हुई? वो मैं ठंडा मांगने लगा, 301 ठंडा दे दे भाई। 300 कह रहा हट हट, मकबत सर मकबत क्या हो गया? तू तो मर गया, चल। बता दे कि माँ बोहती देवी जवान बेटे प्रमोद की मौत से गमगीन थी, लेकिन अब उसे जिंदा देखकर खुशी में दिल भर आया। माँ ने बेटे को गले लगाकर काफी देर तक दुलारा। वहीं प्रमोद की बहन भी भाई के जिंदा वापस आने पर खुशी से झूम उठी। पंजाब केसरी टीवी के लिए सहारनपुर से रामकुमार पुंडीर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।